हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे और सकुशल होंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़ रहे हैं, क्लास टेंथ का मैथ, जिसमें हम लोग 5.3 के शुरू के 3 क्वेश्चंस देख चुके हैं। चलिए इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखें, आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी क्या है, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन, मतलब पूछ रहा हाउ मेनी, यानी यन पूछ रहा है, टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी एस एन इक्वल्स टू है 336। तो पूछ रहा है इसमें कितने टर्म्स इस एपी से लेकर उसको ऐड किया गया होगा कि सम 636 आया होगा। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, 9 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 17 माइनस 9, यानी 8 है। अब हमें समेशन का फार्मूला लगाएं, तो एस एन इक्वल टू 633, तो एस एन का फार्मूला क्या है, एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इन टू डी आई इक्वल टू कितना गिवन है, 636। अब जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उनको पुट कर दें, यन नहीं पता है हमें, ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू 8, ठीक है, सॉल्व करें, 9 2 18, 8n माइनस 8 18 माइनस 8 10 और प्लस 8n, 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 5 प्लस 4n, ये 2 से कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो n का 4n मल्टीप्लाई होगा तो 4n स्क्वायर, 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5n, और 636 को उधर ट्रांसफर कर लें, इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है हमें, इसको फैक्टराइज करना है और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ये पॉलीनोमियल्स पढ़ ही चुके हैं, तो वहाँ से आप फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं और आप आसानी से इनका फैक्टर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किसका फैक्टर करना है, 4 और 636 का, यानी आपका आएगा 2544। फैक्टर करें, 2 से डिवाइड होगा 1272, फिर 2 से 636, फिर 2 से 318, फिर 2 से तो 159, फिर 3 से तो 53, ठीक है, और फिर 53 से 1 टाइम्स में। अब इनके जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं के ऐसे 2 पेयर्स हमें बनाने हैं कि उनका डिफरेंस 5 आ जाए। तो अगर 53 लें और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, तो 53 और 48 दो डिफरेंस हमें मिल जा रहे हैं, तो 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। अब फैक्टर कर लें तो हमें मिलेगा 4n, इसमें से कॉमन नहीं होगा, n कॉमन होगा, तो n कॉमन होगा तो 4n + 53, और इसमें से अगर हम कॉमन ले लें कितना कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन, अगर 12 कॉमन ले लें तो यहाँ से n 4n, और माइनस कॉमन ले लें तो प्लस हो जाएगा, और 53 = 0। अब 4n + 53 कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n - 12, और इनको अगर 0 करें तो n की वैल्यू एक बार मिलेगी -53/4, और एक बार n की वैल्यू मिलेगी 12। n की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 12, यानी इस एपी में 12 टर्म्स लिए गए हैं, तब जाकर सम कितना मिला है, 636, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं कि इसमें क्या करना है और क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5,
फर्स्ट टर्म 5 एंड द लास्ट टर्म यानी ए एन कहें या टी एन कहें या एल कहें वो कितना है 45। सम इज 400 यानी एस एन इक्वल्स टू 400। फाइंड एन एंड डी, तो एन और डी दोनों फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको याद है तो क्वेश्चन जो थर्ड किए हम लोग उसमें जो 10 पार्ट्स थे उन्हीं में से एक पार्ट ये भी था एक क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते। फिर भी चलिए करते हैं हम लोग। टी एन इक्वल्स टू कितना दिया है 45 और टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 45। ए की वैल्यू 5 है, यानी 5 उधर चला जाएगा तो n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 40। इक्वेशन 1। अब एस एन इक्वल्स टू जो 400 दिया तो उसको हम लिख सकते हैं n बाई 2 ए प्लस टी एन या ए एन फार्मूला भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 400 n बाई 2 ए की जगह पर 5 और ए एन की जगह पर 45 सॉल्व कर लें तो n बाई 2 इंटू 50 2 से कट जाएगा 25 टाइम्स में और 25 से ये कट जाएगा 16 टाइम्स में यानी n की वैल्यू कितनी मिली हमें 16। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो ये हो जाएगा फ्रॉम ए 1 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू डी इक्वल्स टू 40 यानी डी इक्वल्स टू 40 बाई 15। 5 से कट जाएगा 3 बार में और ये 8 बार में यानी डी की वैल्यू क्या मिल गई 8/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर चुके थे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। एक मिनट, रिंग भरना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी ए इक्वल्स टू दिया है 17, एल इक्वल्स टू यानी टी एन इक्वल्स टू या फिर कहें तो ए एन इक्वल्स टू कुछ भी लिख सकते हैं, वो दिया है 350। कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी डी इक्वल्स टू 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर यानी एन पूछ रहा है और एस एन पूछ रहा है। ये भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। कौन सा पार्ट था अब आप देख के बताइए। एन और एस एन निकालना है आपको, तो ऐसे क्वेश्चन फिर से ऐसे ही हो जाएगा। जैसे ए एन इक्वल्स टू टी एन इक्वल्स टू 350 है तो यहाँ पे टी एन का फार्मूला रख दें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह पे 9, 17 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 17 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 333। 9 से अब ये डिवाइड होगा, 9 3 27 और 63 तो 7 टाइम्स में, 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा यानी n इक्वल्स टू 38। पहली वैल्यू हमें मिल गई। अब sn निकालना है तो sn इक्वल्स टू हम लोग ये फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं n बाई 2 यानी 38 बाई 2 a यानी 17 और an यानी 350। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा वैल्यू मिल जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 19 टाइम्स में तो ये हो जाएगा 19 और 350 और 17 367 मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर मिल जाएगा हमें जो फाइंड करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमें फाइंड करना है। ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म यानी ए 22 कितना दिया है 149। ऐसा क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोग 10 क्वेश्चंस किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस एक्सरसाइज को कवर करता है। ए 22 यानी ए प्लस 21 डी लिख सकते हैं हम लोग। ए की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, डी की वैल्यू कितनी है 7। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा ए प्लस 147
और 147 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हमें एस 22 निकालना है तो फार्मूला 22/2 टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसी को सॉल्व कर लें, 2 2 जा 4 और 21 × 7 147। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वन सिक्स सिक्स वन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी n इक्वल्स टू 51 दिया है और यस 51 पूछ रहा है। ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, यानी ए टू कितना है 14 और ए थ्री कितना है 18। ए टू का मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14 इक्वेशन बना लें, और ये दिया ए थ्री यानी ए प्लस 2d इक्वल्स टू 18 इक्वेशन 2 बना लें, और इन दोनों को अगर सबट्रैक्ट कर दें ये कट जाएगा 2d माइनस 2d माइनस d 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल यानी d इक्वल्स टू 4। इस वैल्यू को पुट कर दें अगर हम इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 यानी हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल्स टू 14 और ये 4 उधर जाकर सबट्रैक्ट होगा तो 14 माइनस 4 यानी 10। तो a और d की वैल्यू हमें मिल गई। अब फाइंड करना है हमें यस 51, देयर फोर यस 51 इक्वल्स टू फार्मूला रख दें 51/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 10 20 50 × 4 200 220 110 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5610 इज द आंसर, 5610 विल बी द आंसर ऑफ सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आफ्टर दिस वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट वीडियो। If the sum of first 7 terms, yani S7 equals to 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms, तो हमें Sn find out करना है। तो S7 दिया है यानी हम लोग लिख सकते हैं 7/2 2a plus n minus 1 into d equals to 7 minus 1 into d इक्वल्स टू 49। 7/2 को तो ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 2a प्लस 7 minus 1 6d इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7 हो जाएगा, 7 से कट गया 7 टाइम्स में और पूरे में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करें तो यह 17 यानी 17/2 2a 17 minus 1 into d इक्वल्स टू 289, 17 से कट जाएगा 17 टर्म्स में तो 1/2 2a प्लस 16d, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा a और 8d इक्वल्स टू 17 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दे तो a से कट जाएगा 8d माइनस 3d यानी 5d और 17 माइनस 7 यानी 10 यानी d इक्वल्स टू आ गया आपका 2। इस वैल्यू को अगर पुट कर दीजिए आप इक्वेशन 1 में तो 1 में पुट कर देंगे तो a प्लस 6 इक्वल टू 7 यानी a की वैल्यू मिल जाएगी 1। थोड़ा सा हम आगे स्टेप्स स्किप कर रहे हैं, आप उनको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी n/2 2a a की जगह पे 1 n माइनस 1 d की जगह पे 2। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लें तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो हो गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया यानी n इंटू n
यानी यन स्क्वायर, यानी सम ऑफ यन टर्म्स विल बी एन स्क्वायर। इन दिस वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 and 9 इन दिस वीडियो। नाउ आफ्टर दिस द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।